नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने बढ़िया वीडियो लेके आया दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं बजाज कंज्यूमर के बारे में दोस्तों। एक ऐसा शेयर जो कि बहुत कुछ आपको देने के लिए आया है, बस लेने वाला चाहिए दोस्तों। एक ऐसा बजाज नाम सुनते ही आपके दिल में या फिर दिमाग में घंटी बजी होगी कि शायद इस शेयर में जिस तरह बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस काम कर रहा है, उसी तरह ये बजाज कंज्यूमर कुछ काम कर दिखाएगा क्या, हमारे प्रॉफिट बनाने में कुछ मदद करेगा दोस्तों। इसका जवाब है हाँ। तो इसका जो जो पैटर्न है दोस्तों काम करने का, सही है, बढ़िया है। कितनी भी मार्केट में गिरावट क्यों ना हो, सही तरह से काम करता है, लोगों को प्रॉफिट बना के देने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे और जाने की बहुत सारी बातें, आने वाले दिनों में कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा और हमें शॉर्ट टर्म पोजिशन करनी है या नहीं करनी, ये सब बातें क्लियर होगी। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन बटन से जरूर दबाना दोस्तों। पसंद आने पे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों फिलहाल हम आए हैं टेक्निकल चार्ट पे, देख रहे दोस्तों बजाज कंज्यूमर का जो पैटर्न है, पैटर्न कुछ हमें अटपटा सा लग रहा होगा, मगर दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है, जो शेयर एक कंसोलिडेशन से नीचे गिर रहा था उसके बाद उसमें कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दी। देखिए दोस्तों, यहाँ से शेयर ऐसे आया फिर नीचे गिरा है दोस्तों, जितना नीचे गिरा है उतना ऊपर भी उठा है दोस्तों, वहाँ से कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो उसका लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ से पता चलेगा कि बहुत ज़रूरी लेवल है, जो कि लगभग 246 का जो लेवल दिखा रहा है अभी, तो हमें 246 का लेवल है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे हमें। अगर दोस्तों उसके पहले हमें उसका सपोर्ट ढूंढने की बहुत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं ढूंढेंगे दोस्तों तो ये मार्केट में हम काम नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट चढ़ा है फिर नीचे गया है, फिर मार्केट चढ़ा है दोस्तों फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक आपको दिख रही होगी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसके कारण हमें हमेशा समझता है कि आने वाले दिनों में इसका सिम्टम्स क्या है या फिर आने वाले सिग्नल क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको लेके चलेंगे, सीधा हम आपको लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 225 रुपये का इसका सपोर्ट है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ से लगभग 20 रुपये के नीचे उसका बजाज कंज्यूमर का सपोर्ट है दोस्तों। ये बात चल रही है हमारे शॉर्ट टर्म के बारे में दोस्तों। शॉर्ट टर्म में आपको 225 रुपये का इसका स्टॉप लॉस लगाना है, उसका जो सपोर्ट है 225 रुपये का दोस्तों। ये आगे के टारगेट कितना देगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में ये शेयर बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट देने के बाद दोस्तों आपको लग रहा है हमें प्रॉफिट मिलने के बाद तो इसमें बना रहना है, तो आप बने रह सकते हैं दोस्तों, मगर इसके पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, 225 रुपये की जो लेवल है बहुत ज़रूरी है, अगर टूटता है शॉर्ट टर्म में तो हमें इसमें बाइंग नहीं करनी है, इसको और नीचे जाने देना है। मगर दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर तो आपको ये शेयर बहुत कुछ देखे जाने वाला है दोस्तों। शॉर्ट टर्म के ऊपरी लेवल का आपको बता देते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में 300 रुपये के लगभग जाएगा, आपको प्रॉफिट बड़ा करके देगा। मगर दोस्तों, बात ध्यान में रखनी है, आपको ये शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है हमने 300 रुपये का दोस्तों, और अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको दोस्तों 500 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। यहाँ से आपको दुगना प्रॉफिट मिलने वाला है, 100% का प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना है नहीं सोचना है आपका ओन डिसीजन है, मगर दोस्तों ऐसे जो शेयर है आपको अगर चीप लेवल पे मिलते हैं तो खरीदने में क्या जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से उसकी गिरावट चल रही थी, क्यों चल रही थी दोस्तों, क्योंकि मार्केट में पूरे गिरावट का दौर चल रहा था, मगर ये शेयर हमेशा थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखाता है, जो इन्वेस्टर है उनको पैसे को बचा के रखने का काम करता है और हमेशा सिम्टम्स देता है, सिग्नल देता है कि अभी गिरने वाला हो, आपको यहाँ से निकलना है या फिर बाय करना है, हमेशा सिग्नल देके ही चलता है। तो दोस्तों, ये बात तो आपको समझी होगी, शॉर्ट टर्म में 300 और लॉन्ग टर्म में आपको 500 का टारगेट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एनएसई की साइड पर, क्या हमें इससे सीधा सिग्नल मिल रहा है क्या बाइंग का। दोस्तों, हम अभी आए एनएसई की साइड पे, देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट साइड पे हमें क्या दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 245 रुपीज़ का अभी हमें करंट लेवल दिख रहा है दोस्तों। ये तो एडजस्टेड प्राइस होता है, मतलब जो प्राइस पे मार्केट क्लोज होता है वो दोस्तों मार्केट प्राइस होता है, 3:15 का टाइम होता है उसमें मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद 15 मिनट का टाइम होता है, जैसे हमें कहा जाता है प्री ओपनिंग वैसे ही पोस्ट ओपनिंग पोस्ट क्लोजिंग होती है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, ये 15 मिनट का जो टाइम होता है ना दोस्तों, एक्स्ट्रा 3:15 के बाद वो 15 मिनट में मार्केट एक प्राइस एडजस्ट करती है, उसमें बिठा देती है दोस्तों। अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 246 का, मगर अभी दिखा रहा है एडजस्टेड प्राइस 245 रुपीज़ का। तो दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं है, देखिए प्रीवियस क्लोज भी उसका क्या था, लगभग 245.05 पैसा था दोस्तों, के लगभग क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे थोड़ा चलेंगे तो ओपनिंग भी कोई लंबी नहीं हुई थी, 245.10 पैसे में हाई देखेंगे दोस्तों, लगभग बहुत ही अच्छा हाई था, प्रॉफिट दिया, फिर वापस रिवर्स हुआ, 250 रुपये का उसका हाई था दोस्तों, उसके बाद 243 रुपये का उसका लो रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि ये शेयर ज़्यादा
डराता नहीं है, फिर यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। मगर दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मिलना कंफर्म है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि शेयर एक उम्दा है, पैसा देने वाला शेयर है, उसकी कैपेसिटी बड़ी है। तो दोस्तों चलिए हम चलते आगे और जानेंगे उसकी और सारी बातें। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमें जानना होता है उसकी क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है और कितनी परसेंटेज कन्वर्जन रेट है आज की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1,36,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से क्वांटिटी कितनी परसेंटेज में कन्वर्ट हुई है देखना पड़ेगा ना दोस्तों अपने को। तो अभी देखेंगे यहाँ पे डिलीवर्स में कितनी गई है, 91,000 दोस्तों, 91,000 1,36,000 में से अगर क्वांटिटी डिलीवर्स में जाती है, मतलब बड़ा पोर्शन यहाँ पे परसेंटेज में भी कन्वर्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 66% यहाँ पे मार्केट में कन्वर्जन रेट दिख रहा है अगर डिलीवरीज क्वांटिटी का, जो कि हमें बजाज कंज्यूमर में दिख रहा है। जो कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है कि जिस शेयर में हमें पैसा डालना है, उस शेयर का जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स है, उनके पास कितनी होल्डिंग है, कितना प्लेज है, ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों जिस कंपनी में प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग करते हैं, वो कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा होता है, डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, स्प्लिटाइजेशन भी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये बातें जानेंगे, मगर दोस्तों इसके पहले हम आपको लेके चलेंगे उसकी होल्डिंग कितनी है यहाँ पर प्रमोटर की, और जिसके कारण इस शेयर में हमें स्टेबिलिटी हमेशा क्यों दिखती है, ये भी बातें जानेंगे। तो ये दोस्तों हम चलते हैं अभी उनकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है वो जानने के लिए। दोस्तों अब आए हम यहाँ पे बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड शेयर्स होल्डिंग है वो देखने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी बड़ी, यहाँ पे हमें एक रेशो है जो कि ग्रीन में दिख रहा है, जो कि कवर किया गया है। कौन हो सकता है दोस्तों ये जो इतनी बड़ी प्रमोटिंग होल्डिंग कर रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो होल्डिंग परसेंटेज किसके अंडर जा रहा है, प्रमोटर्स के अंडर जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसमें म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी ग्रोथ स्लो है मगर 100% पक्की मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8.5% की उन्होंने अपनी यहाँ पे होल्डिंग बनाई हुई है म्यूचुअल फंड ने बजाज कंज्यूमर में। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशन कितने हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे 7% से ऊपर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन है, जो कि रिटेल्स में आते हैं, रिटेलर इन्वेस्टर आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे जो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो रेशो है प्रमोटिंग का होल्डिंग का बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये शेयर बहुत ही तगड़ा है, आने वाले दिनों में बहुत लेवल दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये हमेशा एक डिविडेंड देने का काम करता है दोस्तों, हमेशा जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड देके खुश करने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों इसका पैटर्न ही इतना अच्छा है काम करने का, जिसके लोग जिसके हमारे खुश हो जाते हैं। एक बार देखे दोस्तों कितना दिया है उन्होंने, जनवरी 18, 2019, मतलब इस साल की बात है दोस्तों, अगर 6, 7, 8, 9 महीना पीछे जाएगी, 11 महीने पीछे जाएगी, तो 1400% का उन्होंने क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे समझेगा आपको, 1400% का क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। मतलब दोस्तों उनका प्राइस कितना है, 1 रुपया फेस वैल्यू है, तो 1 रुपया गुणिले 1400% अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा इस शेयर में कितना पावर है दोस्तों, जो कि बढ़िया से बढ़िया काम करके लोगों को पैसा बना के देने का काम कर रहा है दोस्तों। इसे हम मार्केट का छुपा रुस्तम कह सकते हैं, या फिर मार्केट का इक्का कह सकते हैं दोस्तों। बाइंग करनी नहीं करनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है नहीं बनना दोस्तों, आपका निर्णय आपको लेना है, मगर जो काम है आप तक पहुँचाना, नॉलेज देना, आपका मोटिव है जो प्रॉफिट कमाने का, उसको सामने रखना, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।